डोमिनियस इंटेंसिटी और मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ मैटर। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ठीक है, ये क्या है, ये फंडामेंटल फिजिकल यूनिट है। इसी तरह से डेराइव की बात कर लेते हैं, डेराइव यूनिट्स, द फिजिकल यूनिट्स डिफाइन बाय द हेल्प ऑफ फंडामेंटल फिजिकल यूनिट। द फिजिकल यूनिट्स डिफाइन और डेराइव और एक्सप्रेस बाय द हेल्प ऑफ फंडामेंटल फिजिकल यूनिट इज कॉल्ड डेराइव्ड यूनिट। एग्जाम्पल में कुछ भी ले सकते हैं, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं स्पीड इज इक्वल टू क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो किसकी हेल्प से इसे डिफाइन करा मैंने, ये फंडामेंटल, डिस्टेंस और टाइम दोनों ही क्या है, फंडामेंटल फिजिकल यूनिट है ठीक है। इसी तरह से हो सकता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना होता है, ये होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये जो एक्सेलरेशन है वो किसकी हेल्प से डिफाइन हुआ, डिस्प्लेसमेंट टाइम। तो ये क्या है, दोनों डिस्प्लेसमेंट और टाइम क्या है, ये फंडामेंटल है। तो सभी इन सात फिजिकल क्वांटिटीज को छोड़कर जो भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो सब की सब क्या होती हैं, वो होती हैं डेराइव्ड फिजिकल यूनिट्स। फिर है थर्ड है सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट में क्या है, सॉलिड दो है, ये सॉलिड एंगल एंड एंगल, जैसे इसे रेडियन कहेंगे इस तरीके हम इसको यहां पर इस आज एंड करते हैं इस लेक्चर का। आई होप ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, अगर ये सब समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि कौन चीज समझ में नहीं है और कौन सी चीज आई। हम कोशिश करेंगे कि अपने वीडियोस को अपने जो समझाने का तरीका है उसे और सही करें, इम्प्रूव करें। थैंक यू सो मच।